दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाइफ इन्फॉर्मेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वंदे भारत मिशन फेज फोर के तहत जितनी भी फ्लाइट्स कुवैत से इंडिया के लिए ऑपरेट की जाएगी उनका लिस्ट, उनका डिटेल्स, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुवैत से इंडिया के लिए वंदे भारत मिशन फेज फोर के तहत जो फ्लाइट ऑपरेट की जाएगी उनका नंबर है, टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है 260 है, जिसमें दो जो है कि प्राइवेट एयरलाइंस मिल करके इसको ऑपरेट करेगी, जिसमें सबसे पहले इंडिगो एयरलाइंस है जो कि 219 फ्लाइट को ऑपरेट की जाएगी, इसका लिस्ट अभी जारी किया नहीं गया है, और दूसरा जो है कि गो एयर है जो कि 41 फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगी, और ये जो 41 फ्लाइट्स है इसका लिस्ट जारी कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे आपको ये 41 फ्लाइट का लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दिया हूँ, वहां से आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे गो एयर की 41 फ्लाइट जो ऑपरेट की जाएगी कुवैत से इंडिया के लिए वो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलोर, केरला, भुवनेश्वर, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, गोवा, चेन्नई, ये स्टेट शामिल है। और फ्लाइट्स जो शुरू होती है 1 जुलाई से कुवैत से अहमदाबाद, कुवैत से जयपुर, 2 जुलाई को कुवैत से अहमदाबाद, 2 जुलाई को कुवैत से जयपुर, 3 जुलाई को कुवैत से जयपुर, 4 जुलाई को कुवैत से जयपुर, इसी तरह से 5 जुलाई को कुवैत से जयपुर, फिर 6 जुलाई को कुवैत से जयपुर है। उसके बाद जो है कुवैत से बेंगलोर के लिए है 11 जुलाई को, फिर 12 जुलाई को कुवैत से कन्नौर के लिए है, फिर 12 जुलाई को कुवैत से कोची के लिए है, फिर 13 जुलाई को कुवैत से कन्नौर के लिए, फिर 13 जुलाई को कुवैत से कोची के लिए, फिर 14 जुलाई को कुवैत से कन्नौर के लिए, उसके बाद फिर 14 जुलाई को कुवैत से कोची के लिए, फिर 15 जुलाई को कुवैत से कन्नौर के लिए, इसी तरह से 15 जुलाई को कुवैत से कोची के लिए है, फिर जो है कि 16 जुलाई को कुवैत से कन्नौर के लिए है, फिर 16 जुलाई को कुवैत से कोची के लिए, फिर 17 जुलाई को कुवैत से कोची के लिए, फिर 18 जुलाई को कुवैत से कोची के लिए है, फिर 21 जुलाई को कुवैत से भुवनेश्वर के लिए, उसके बाद फिर 22 जुलाई को कुवैत से कोलकाता के लिए, फिर 22 जुलाई को कुवैत से लखनऊ के लिए है, फिर जो है कि 23 जुलाई को कुवैत से कोलकाता के लिए है, फिर 23 जुलाई को कुवैत से लखनऊ के लिए है, फिर 24 जुलाई को कुवैत से कोलकाता के लिए है, उसके बाद जो है फिर 24 जुलाई को कुवैत से लखनऊ के लिए है, फिर 25 जुलाई को कुवैत से कोलकाता के लिए, फिर 25 जुलाई को कुवैत से लखनऊ के लिए है, फिर कुवैत से जो है कि कोलकाता के लिए 26 जुलाई को, फिर 27 जुलाई को कुवैत से कोलकाता के लिए है, उसके बाद जो 28 जुलाई को कुवैत से कोलकाता के लिए, फिर 29 जुलाई को फिर कुवैत से कोलकाता के लिए है, उसके बाद हैदराबाद के लिए कुवैत से 30 जुलाई को, उसके बाद फिर गोवा के लिए है 1 अगस्त को कुवैत से, फिर कुवैत से 3 अगस्त को है मुंबई के लिए, उसके बाद फिर कुवैत से 4 अगस्त को चेन्नई के लिए, फिर कुवैत से 5 अगस्त को चेन्नई के लिए, फिर कुवैत से 6 अगस्त को चेन्नई के लिए है। तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो 41 फ्लाइट गो एयर के तहत ऑपरेट की जाएगी वंदे भारत मिशन फेज 4 के तहत, जो कि 3 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक ऑपरेट की जाएगी। तो यहाँ पे मुझे समझ में ये आ रहा कि अभी अगस्त तक, जुलाई के बाद अगस्त का महीना भी निकल सकता है नॉर्मल और रेगुलर फ्लाइट को चालू होने में, क्योंकि जुलाई का महीना तो पक्का ले लीजिए को होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 अगस्त तक जो है कि वंदे भारत मिशन फेज 4 का जो लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो इससे पता यही चलता है कि अभी नॉर्मल फ्लाइट चालू नहीं हो सकती है, इसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, लेकिन दुआ कीजिए जल्द से जल्द नॉर्मल फ्लाइट चालू हो जाए ताकि जितने लोग फंसे हुए हैं बाहर और वो अपने अपने घर पहुंच सके। इसी तरह से एयरलाइन से रिलेटेड और भी अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अपडेट में एयरलाइन के अपडेट के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।